दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं श्रुति शर्मा, कुक विद श्रुति चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको चिली पोटैटो बनाना बताऊंगी। आइए हम जानते हैं इसकी सामग्री। ये मैंने 3 आलू लिया था, जिसे मैंने छील के इसे लंबा लंबा काट लिया है। ये मैंने 1 कटोरी मैंने कॉर्न स्टार्च लिया है। 1 शिमला मिर्च मैंने ली थी, जिसे मैंने इसका बीज निकाल के इसे लंबा काट लिया है। और ये 1 ही मैंने बड़े साइज का प्याज लिया था, जिसे मैंने छील के इसे भी लंबा काट लिया है। ये सोया सॉस, रेड चिली सॉस, टोमेटो सॉस, विनेगर, लाल मिर्च पाउडर, सादा नमक और ये 4 कली लहसुन है, जिसे मैंने छील के महीन काट लिया है। और ये थोड़ी सी अदरक है, जिसे मैंने छील के लंबा काट लिया है। आइए हम बनाते हैं चिली पोटैटो। सबसे पहले मैं आलू में 4 कॉर्न स्टार्च डालूंगी, 3 चम्मच मैंने ये चम्मच ली है। स्वाद के अनुसार नमक डालूंगी, लाल मिर्च पाउडर मैंने 1 चम्मच के लगभग लिया है। अब मैं इसे मिला लेती हूँ। ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है। मैंने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था, गर्म हो चुका है। अब मैं धीरे धीरे इसे डाल दूंगी और सुनहरा होने तक मैं इसे फ्राई कर लूँगी। ये देखिए, हमारा आलू हो चुका है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। टिश्यू पेपर मैंने प्लेट पे बिछाया है, अब मैं इस पर निकाल लेती हूँ। और मैं बाकी के भी तल लेती हूँ। ये देखिए, मैंने पैन में तेल गरम होने के लिए चढ़ा दिया था, वो गरम हो चुका है। मैंने गैस की आंच एकदम धीमी रखी है। अब मैं इसमें कटा लहसुन और ये अदरक डाल दूँगी। मैं इसे हल्का सा गुलाबी कर लूँगी लहसुन को। फिर उसमें मैं देखिए हल्का हल्का ये गुलाबी हो गया है। अब मैं इसमें प्याज और ये शिमला मिर्चा डाल दूंगी। मैं इसे अच्छे से मिला दूंगी। मैं इसे आधा मिनट खुला ही थोड़ा पका लेती हूँ। ये देखिए, ये हल्का हल्का पक चुका है। मुझे ज़्यादा पकाना नहीं है, मुझे इसे पका ही पकाना है। अब मैं इसमें टोमेटो सॉस, जो 4 चम्मच मैंने लिया था छोटी, वो डाल देती हूँ। अब मैं इसमें 2 चम्मच ये सोया सॉस है, वो डाल देती हूँ। अब मैं इसमें ये रेड चिली सॉस है, जो 2 चम्मच है, मैं ये भी डाल देती हूँ। आप चाहें तो आप ग्रीन भी डाल सकती हैं। अब मैं इसमें ये 1 चम्मच छोटी विनेगर है, मैं ये भी डाल देती हूँ। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, अगर आप तीखा और चाहते हैं तो आप और मिर्ची भी डाल सकते हैं। नमक मैं थोड़ा डालूँगी, क्योंकि सॉस में सब में नमक है। मैं इसे अच्छे से मिला देती हूँ। अब मैं इसमें ये 1 चम्मच मैंने कॉर्न स्टार्च लिया है, इसी मैं थोड़ा पानी डाल के घोल लेती हूँ। इसे भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। मैं इसे अच्छे से मिला लेती हूँ।
ये देखिए, ये देखिए एकदम घुल चुका है। मैं इसमें डाल देती हूँ, मैं इसे मिला देती हूँ। अब मैं इसमें जो मैंने आलू फ्राई किए थे, अब मैं इसमें डाल दूँगी। उसके बाद मैं इसे अच्छे से मिला दूँगी। देखिए हमारा चिली पोटैटो एकदम तैयार है प्लेट में जाने के लिए। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और मैं इसकी प्लेटिंग करती हूँ। ये हमारा गर्मा गर्म स्पाइसी चिली पोटैटो तैयार है आपके खाने के लिए। तो आप भी खाइए और दूसरों को भी खिलाइए। तो हम फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।